Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, आप सबका जयपुर देव फेस्टिवल में के इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। इस पैनल डिस्कशन का टॉपिक है जिंदगी देव साहब की महबूबा थी। देव साहब जन जन के दिल में बसने वाले एक बहुत लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे। उनका जन्म 26 सितंबर सन 1923 को हुआ था। अगर वो आज हमारे बीच होते तो 57 वर्ष के होते। और उनके इस जन्म दिवस को मनाने के लिए ये फेस्टिवल है और ये पैनल डिस्कशन उसी का एक हिस्सा है। देव साहब ने भरपूर जीवन जिया, उन्हें जिंदगी से बहुत प्यार था। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी रोमांसिंग विद लाइफ, तो उसमें उन्होंने ओपनली कहा कि मुझे तो जिंदगी से बहुत मोहब्बत है। तो जिंदगी उनकी महबूबा थी। उनके इसी असीम प्रेम को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ पैनल में है मिस्टर राजेंद्र रखेचा। नमस्ते। ये गांधीनगर से हैं और साइबर एज में ये डिलीवरी हेड हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, इन्होंने ONGC से रिटायर किया है और ये अहमदाबाद में रहते हैं। और तीसरे पैनलिस्ट हैं श्री RC भट्ट, और ये उदयपुर से हैं और ये ये एक रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर है। और चौथे और पैनलिस्ट हैं श्री संजय गौतम, ये इंजीनियर हैं और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हैं और आजकल मुंबई में पोस्टेड हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लोग फर्क इनके प्रोफेशन फर्क हैं, ये रहते फर्क जगह हैं, पर इन सब का इंटरेस्ट एक है, इनका शौक एक है और वो है देव साहब और देव साहब की फिल्मों को देखना। और शायद जब छोटे रहे होंगे तो शायद उनके जैसा पफ बनाना। ये सिर्फ इन तक सीमित नहीं था, मेरे ख्याल है कि 50 और 60 के शतक के सभी नौजवान आधा पौना घंटा सुबह जरूर पफ बनाने की कोशिश करते होंगे। तो देव जैसा कि है, देव साहब बहुत बहुत उन्होंने भरपूर जीवन जिया है और उसी के तहत देखिए कि उन्होंने जिंदगी में जो भी किया उसको बहुत प्रेम पूर्वक किया और उन्हें उसमें बहुत सफलता मिली। तो उनका जीवन जो था फिल्मी जीवन, वो उनके दिल के बहुत करीब था क्योंकि उन्हें पहचान इसी से मिली। उनका 1946 से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ और उसके बाद जैसे उनके पैर थोड़े से फिल्मी दुनिया में जमे, उन्होंने नवकेतन बैनर के अंडर फिल्म बनानी शुरू की। और जो फिल्म्स उन्होंने बनाई, उन्होंने हिंदी फिल्मों की दिशा और दशा सब बदल दी, बल्कि हिंदी फिल्मों के किरदारों की भी दिशा और दशा बदल दी। पहले जो होते थे एक गांव की कहानी या राजा रानी की कहानी, लेकिन देव साहब ने उनकी पृष्ठभूमि बदल दी। उन्होंने वो उनको शहर में लाए और उन्होंने अर्बन क्राइम थ्रिलर्स बनाने शुरू किए, जिनको कि हॉलीवुड में नॉयर फिल्म्स कहते हैं। और उसके तहत उन्होंने सब कुछ जो उसके किरदार थे उनका सब कुछ बदला, उनकी वेशभूषा बदली, उन्होंने अपने बाल संवारे और पफ बना लिया और उन्होंने जो धोती कुर्ता था उसकी जगह उन्होंने पैंट कोट स्कार्व्स मफलर्स कैप हैट और थोड़ा सा अपनी चाल में जो था एक उमंग पैदा की, जिसको बोलते हैं कि स्प्राइट इन हिज फीट, वो थोड़ा सा उस चलते थे और थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करके एक नए अंदाज से चलने लगे। उन्होंने सिगरेट सुलगाने का भी एक अनोखा अंदाज, बहुत स्टाइलिश अंदाज अपनाया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना बोलना भी थोड़ा सा एंग्लिसाइज कर दिया। उनकी हिंदी जो थी उसका लहजा उन्होंने थोड़ा एंग्लिसाइज कर दिया और ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई। इसके साथ में जो हीरोइंस थी वो भी
सिटी ब्रेड थी, शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी सजी धजी सजी संवरी फैशनेबल लड़कियां थी, और उन्होंने जो म्यूजिक था वो भी उन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, क्लासिकल से उन्होंने कैची ट्यून्स कर दी। इसमें श्री आर डी बर्मन का बहुत बड़ा सहयोग उनके जीवन में रहा, उन्होंने बहुत सरल कर दिए, जो फिल्म जो गानों के अल्फाज थे बहुत सरल कर दिए, और धुनें जो थी वो भी हमेबल कर दी, जो कि आम लोग गुनगुनाने लगे, और आज तक लोग उनके उनकी फिल्मों के गाने बहुत पसंद करते हैं। और एक उन्होंने एक तरह का कंप्लीट एंटरटेनमेंट जो एक फिल्में उन्होंने बनाई, आप देखिए कि उन्होंने एक एक आज उसमें एक क्लब डांस जिसको बोला करते वो नंबर हुआ करता था। तो ये सब कुछ लोगों को एक नए अंदाज में प्रेजेंट हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। जो उनकी बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, काला पानी, काला बाजार, 9-2-11 और इवन जूल थीफ जो थी, ये सारी फिल्में उनकी, ये नॉयर जेनरे की फिल्म्स थी जो उन्होंने नवकेतन से बाहर भी जो फिल्में की, जैसे कि सीआईडी थी, जाल, और भी जो जो बाहर की फिल्म्स थी उन्होंने की, खास तौर पे जॉनी मेरा नाम जो एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, और वो सब फिल्में भी इसी कैटेगरी की थी। और जब उनके उनके ब्रदर्स ने उनके भाइयों ने नवकेतन छोड़ दिया तो देव साहब जो थे वो निर्देशन भी करने लगे। तो पहले अभिनेता थे, फिर निर्माता बने, फिर निर्देशक बने, और फिर उन्होंने स्टोरी राइटिंग भी शुरू कर दी। लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था, उन्हें तो अपनी महबूबा के संग हर रंग में दिखना था। उन्होंने इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि द ईवल विदिन और जो गाइड की इंग्लिश वर्जन थी उन्होंने उसमें काम किया। और दो ऐसी फिल्में हैं, बम्बई का बाबू और माया, जो थोड़ी हटके थी, थोड़ी इंटेंस थी, उसके अंदर इमोशन था, वो इस जनर की फिल्म्स नहीं थी। और उसके लिए देव साहब ने अपने आप को थोड़ा सा सब्ड्यूड तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। वो फिल्में ज़्यादा नहीं चली, लेकिन देव साहब शत प्रतिशत सफल रहे अपने आप को उन किरदारों में पर्दे पर ढालने के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसी फिल्म जो सुनहरा पन्ना था उनके जीवन का, गाइड, वो उन्होंने बहुत रिस्क लेके, बहुत पैसा लगा के, बहुत लोगों के साथ उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा, वो सबको पार करके उन्होंने बनाई। और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसने उनकी ख्याति के दूर दूर झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये फिल्मों में तो वो बहुत सफल रहे और वो अंत तक फिल्में बनाते रहे, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। उन्हें तो पूरी ज़िंदगी से प्यार था, उसमें हर रंग में उनको नज़र आना था। तो आप देखिए कि उनकी एक भरपूर निजी ज़िंदगी थी, उनके यार दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि दिलीप साहब थे, जैसे कि सुनील दत्त और नरगिस दत्त, ये दोनों के दोनों जो इन दोनों के साथ तो वो बाहर ट्रिप्स वगैरह पे भी जाया करते थे, वो काफ़ी पार्टीज वगैरह दिया करते थे। तो जीवन को भरपूर वो जीते थे और बहुत उससे वो प्यार करते थे। इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने देश विदेश की सैर की, हम भी सभी लोग बाहर की इधर उधर की सैर करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते थे क्योंकि उनको इतना प्यार था अपनी फिल्मों से कि जब कभी फिर ज़रूरत पड़ती तो फिर वहाँ जाकर के वो लोकेशन शूटिंग वहाँ करते थे। और उन्होंने इसके अलावा भी, उनके जीवन में सिर्फ यही नहीं था, नहीं तो लोगों के जीवन का कोई पहलू खाली खाली रह जाता, उनका हर पहलू सफल था। उन्होंने हर हर पहलू से प्यार किया और उनके ये प्यार जो था वही उनके उनकी सफलता का कारण था। और वो अपनी रफ्तार से चलते चले गए। और बाकी जो मैं तो ये कहूँगी कि जिंदगी का साथ उन्होंने थोड़ी देर निभाया, उसके बाद जो जिंदगी थी वो उनका साथ निभाने के लिए उनकी महबूबा उनके पीछे जाती थी
देखिए जो सम्मान था, लोगों का प्यार था, अवार्ड्स थे, वो उनके पीछे जाते थे, उन्होंने कभी उस चीज का के पीछे नहीं गए गए लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है देश में विदेश में जो उन्हें नहीं मिला। ये उनकी सफलता थी और ये उनके असीम प्यार की का ही नतीजा था कि उन्हें इतनी सफलता मिली। उन्होंने निजी जीवन में भी बहुत कुछ हासिल किया, और उनके दोस्त मित्र भी थे, और वो बहुत लाविश पार्टियां भी दिया करते थे। जब फिल्म फेस्टिवल होता था तो वो दिल्ली में ओबरॉयज में और बॉम्बे में ताज में बहुत बढ़िया पार्टी दिया करते थे, जिनका कि जिक्र हुआ करता था। तो वो एक जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने हर लम्हा बड़ी जिंदा दिली से जिया, बहुत प्यार से जिया, और वो इस चीज़ में बहुत कामयाब हुए। अब देखिए वो अपनी रफ्तार उन्होंने कम नहीं की, वो फिल्म एंड तक बनाते रहे। तो आप देखिए कि हमारे पास भी एक ऐसे पैनलिस्ट हैं जो कि बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं, उनका नाम है राजेंद्र रकेचा। उनका प्रोफेशन तो है कंप्यूटर, लेकिन उनका शौक है देव साहब और देव साहब की फिल्में देखना। तो उन्होंने, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ये कंप्यूटर जो जो कि उनका प्रोफेशन है, और देव साहब जो कि उनका पैशन है, उसको उन्होंने किस तरीके से उसका फ्यूजन किया है, किस तरीके से उन्होंने टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन और चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, इसी बारे में हम उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए राजेंद्र जी कि आपने सबसे पहले देव साहब की फिल्म कब देखी? मैं 10 वर्ष का था, 5वीं कक्षा में था। अच्छा। और मुझे याद है जॉनी मेरा नाम, हमारे छोटा गांव था, वैसे तो कुल 30-35 हजार की पॉपुलेशन थी, और फिल्में काफी लेट आती थी, 1 या 1.5 साल के बाद। तो जॉनी मेरा नाम तो हिट हो गई थी, हमने सुना सुना के रखा था। हमारे बड़े भाई स्क्रीन और माधुरी ये परचेस करते थे वीकली मैगजीन, तो उसमें हम भी चोरी छुपे देख लेते थे सब फोटोज वगैरह। तब से वो शौक शुरू हो गया फिल्मों का। तो मेरे को याद है कि मंडे को मेरा इंग्लिश का एनुअल पेपर था, और संडे को मैं शाम को जॉनी मेरा नाम देखने गया, और हालांकि अच्छे इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आए मेरे को, 85 out of 100, लेकिन जॉनी मेरा नाम तब से देखने के बाद जो मुझे देवानंद साहब के बारे में एक पैशन हो गया, और मैं तभी से फैन हो गया। नहीं, आपके पास तो एक पूरा कलेक्शन है, आपके पास तो इतनी फोटोज हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, इतने फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो आप तो उसको टैबलेट करते रहते हैं चार्ट। ये आपने कैसे किया ये फ्यूजन, जो अपने प्रोफेशन को अपने पैशन से कैसे मिलाया? तो जैसे मैं फिर इंजीनियरिंग के लिए पूना में आ गया, तब जो मैंने बचपन में मिस किया था, जैसे कि CID है, 9211 है, हाउस नंबर 44, ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हम दोनों हैं, तो ये देवानंद साहब मैटिनी आइडल हुआ करते थे, और उस जमाने में ये 80s to 90 मैटिनी मॉर्निंग शो से थिएटर शुरू हो जाते थे 9 बजे से लेके। तो मैंने जब प्यार किसी से होता है 9 बजे देखी, 9 बजे का शो, जैसे उठ गए बिस्तर से रेडी हो गए निकल पड़े थिएटर, और हम दोनों मैटिनी 12 बजे का शो देखा। ये सारा जो गैप मेरे को बचपन में था, जो जो फिल्में पहले आ चुकी थी उनको मैंने फिर जब मैं पुनः पढ़ाई करने गया 12th के बाद, सो सारे ये मेरे को मौका मिला कि सारी फिल्में देख लूं। तो उस थर्सडे को पब्लिश होता था कि फ्राइडे से कौन से रिलीज होने वाले हैं, मैटिनी कौन से आने वाले हैं, मॉर्निंग शोज कौन से आएंगे, और रेगुलर में कौन से आएंगे। तो हमारा प्लान तो वो वीकली सैटरडे संडे का बन जाता था। इस प्रकार जो पूरी 114 फिल्में, और उस टाइम विकी नहीं था, गूगल नहीं था, तो ये जो मैगजीन से ही हम डाटा इकट्ठा करके नोटबुक में लिख के रखते थे कि ये मूवी है, इसके निर्देशक ये है, इनमें ये हीरोइन है, देव साहब है, और ये गाने हैं, गाने की लिस्ट बना के रखते थे। रेडियो हुआ करता था, तो फिर ऐसा शौक बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट करीब करीब 114 फिल्में उन्होंने जो उन्होंने काम किया है वो पूरा हमने वो कंप्लीशन कोटा हमारा 4 साल में किया।
इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, लेकिन ये जो हमारा टारगेट था ये बड़े मजेदार था। और लिटरली हम खाते पीते सोते उठते बैठते देव साहब और देव साहब, वही बातें होती थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपका असल में इंटरेस्ट तो देखिए नोया फिल्म्स में ही है, जो उन्होंने जब तक उनके भाई उनके साथ थे तब बराबर तक उन्होंने जो फिल्में बनाई, तो सही है। आपका ज्यादा इंटरेस्ट तो उसमें है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो जब मैंने हम दोनों पहली बार देखी तो मैं अचंभित हो गया। जिस तरह से डायलॉग लिखे थे और पूरा कहानी में नयापन था, तो उसका फिर पूरे डिटेल जब हम निकालते थे तो देखा कि कोस्ट डायरेक्शन वाज डन बाय गोल्डी, और स्टोरी राइटिंग और डायलॉग गोल्डी ने की थी। तब से फिर वो हमको समझ में आने लगा कि ये जो नवकेतन का यूनिट है उसमें कौन कौन प्रतिभाशाली और गुणवान कलाकार साथ में लेकर टीम बनी हुई है। फिर उसमें साहिल, जयदेव, देव साहब, चेतन आनंद साहब, विजयानंद, ये सब पढ़ाई करते करते जो भी किताब मिलती थी, स्क्रीन, माधुरी और जो भी, उसमें हम पढ़ते नोट्स बना के रखते थे, जैसे हम मानो वो हमारे कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो। और तब से फिर वो हमको लगा ये गोल्डी 9/2/11 फिर हम देखने गए, तो 21 साल की उम्र में फिल्म जो शुरू करी थी, 23 साल में डायरेक्शन की, और वो 9/2/11 का जो क्लाइमेक्स था आखिरी 5 मिनट, जो एक्चुअली 12 मिनट चलता है, तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था पूरा थिएटर। तो हमको समझ में आ रही थी कि कितने प्रतिभाशाली है विजय साहब, जो गोल्डी के नाम से जाने जाते थे। तभी देव साहब को ये पहचान थी कि, और भरोसा भी बहुत था कि ही सुपर सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा हमेशा बोलते थे वो। तो ये पूरा टीम वर्क देखने के बाद एसडी साहब, आरडी साहब, किशोर, लता, आशा जी, इनका पूरा जमावट मिलके जो फिल्में बनती थी, तो टीम वर्क बहुत सराहनीय था और लंबे अरसे तक चलता था। नहीं, आप ये बताइए ना कि आपको विजय साहब की फिल्मों से ही प्यार था या और भी जो फिल्में उनकी बनी उनसे भी आप उतना ही नहीं, प्यार उस करते थे? नहीं उसमें क्या हुआ कि दूसरी फिल्मों देवानंद साहब को देखने के लिए मैं जिस उम्र का था उससे 1-10 साल से ज्यादा जो लड़की है वो बिल्कुल तरसती थी। यानी वो उनके बारे में बोलती थी कि कितने स्मार्ट दिखते। तो फिर उसी जमाने में फिर हमने उनकी अलग अलग जो फिल्में थी, जो नॉन नवकेतन थी, पेइंग गेस्ट है जैसे, और बाद में फिर जो नए इसमें हमने देखा कि अमीर गरीब, वारंट, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, काला बाजार, सीआईडी, जाली नोट, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, जिद्दी, जाल, पतिता, मुनीम जी, तो हर इसमें अपना देव साहब एक स्टाइलिश, एक अपना अलग पहचान लेके आके वो अपना किरदार निभाते थे। और हमेशा रोमांटिक इमेज, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रोमांटिक इमेज एंड वेरी म्यूजिकल हिट एंड वेरी लाइट, वेरी इजी गोइंग एक्टिंग, सो दैट मेड टू अट्रैक्ट हिज ऑल द मूवीज, नॉट ओनली नवकेतन मूवीज बट ऑल द मूवीज। सो उन्होंने, देव साहब ने 53 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है टोटल। यानी देखिए आप, 114 फिल्में, 53 डायरेक्टर्स, और वो खुद भी डायरेक्टर है, उनका काउंट करके 54 डायरेक्टर्स, कितनी बड़ी जिंदगी जी है उन्होंने और कितना देके गए हैं हम सभी को, अपने फैन, दर्शक और मित्रगणों को, उस वो कल्पना के परी है। वो नवकेतन एक इंस्टीट्यूट थी, देव साहब एक इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने 88 हीरोइन के साथ काम किया है, 88, वो बहुत बड़ा नंबर है। और सहनायिका में 23 सहनायिका और 26 जो सीनियर्स एक्ट्रेसेस होते हैं उनका, तो उनका ये टोटल एसोसिएशन कितना बड़ा था। उनका नेचर ऐसा था सभी से मिलके रहने का, मिलजुल के रहने का, खुशी बांटने का, प्यार बांटने का। और टोटल बॉलीवुड की पूरी अगर लिस्ट बनाए कि उन्होंने हर कितने व्यक्तियों के साथ काम किया है, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, तो करीबन 1300 लोगों का नाम आता है, 1300 पीपल। और
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्होंने आके कभी बोला होगा कि देव साहब ने ये काम गलत किया जिंदगी में। तो वो भयंकर आदरणीय और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी करके अपना जो एक इमेज अपने साथ छोड़ के गए हैं, वो हमको ये सीख देते हैं कि मेरी जिंदगी तो थी लेकिन आप भी ये जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम तो उनकी पूरी बारीकियां देख देख के सीखते हैं कि उनका कितना अच्छा सही नेचर था, गेट गोइंग नेचर था। इश्क 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 जब असफल हुई, अभी कौन डायरेक्टर है जिसमें गट्स है कि जो 14,000 फीट हिमालय के ऊपर 100 और 150 लोगों को ऊपर डेली लेके जाना, शूटिंग करना और इतना खर्चा करना, और एक पैशन के कारण। और जब वो असफल हुई तो सिर्फ चंद मिनटों में देव साहब वापस फिर से अपने जगह पे खड़े हो गए। असफलता का यानी उनपे कुछ भी असर नहीं हुआ। एंड गेट गोइंग जो उन्होंने सीखा था, पहला उनको दुख हुआ था जब सुरैया जी छोड़ के यानी उनका प्रेम असफल हुआ था, तो चेतन भाई जी ने उनको समझाया था कि जिंदगी तो बहुत बड़ी है, अभी आप तो शुरुआत कर रहे हो, ये तो ऊपर नीचे चढ़ उतार ये जिंदगी में आते रहेगा, तो आपको स्ट्रांग बनना है। और वो सीख लेके देवानंद ने पूरा हम जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उस हिसाब से फिर उन्होंने इश्क इश्क जब असफल हुई तो 5 मिनट में ही वॉज रेडी फॉर देश परदेश विद द स्टोरी। और हमेशा हरे राम हरे कृष्णा या हीरा पन्ना या देश परदेश, हमेशा नए नए टॉपिक के साथ दर्शक के पास आते थे। तो ये काफी बड़ी चीज है। 78 से लेकर 2011 तक 33 ईयर्स ही मेड 14 फिल्म्स, ही डायरेक्टेड 14 फिल्म्स, सो विदाउट स्टॉप। सो दैट इज व्हाट देवानंद इज। धन्यवाद आपका। अब हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। आप बताइए, आपने तो बहुत छोटी उम्र से ही क्लासेस बंक करके देव साहब की पिक्चरें देखना शुरू कर दिया था, कभी पकड़े भी गए? छटाई लगी घर में? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, मैं सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था, याद आ गया। ऐसा है कि हम तो ज्यादा छुप छुप के पिक्चर नहीं देखी हमने कभी भी, लेकिन यह है कि घर में कभी बताते नहीं थे पिक्चर देखी, वो एक तरीका था। लेकिन पिक्चर देखने का मुझे जो शौक पैदा हुआ सबसे पहले, वो मैं दोस्तों से होता है पैदा। तो उसमें मेरा एक दोस्त है मिस्टर अशोक मल्होत्रा, जो मेरे स्कूल से दोस्त हैं, कॉलेज से दोस्त हैं, इवन हम लोग इकट्ठे नौकरी भी करते रहे। उसके बाद हम एक बार बिछड़ गए, वो अपने अलग अलग हो गए, नासिक और लखनऊ, तो मैं अहमदाबाद और गुजरात में आसाम, इस तरह से घूमते रहे। बीच बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया, मतलब कि हम आसाम में गए, वहां 6-7 साल रहे, तो वहां तो पिक्चर देखने नहीं को मिलती नहीं थी। पिक्चरों का शौक भी बड़ा कम हुआ वहां जाके, लेकिन जितनी पिक्चरें हमने शौक के साथ देखी या हमने जलंधर होशियारपुर में देखी, वो सब वही पिक्चरें हैं जो शुरू शुरू में देवानंद जी की आई, या प्यार किसी से होता है, गाइड, झूल थीप, 9-2-11, तीन देवियां पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। जब प्यार किसी से होता पिक्चर बहुत बार देखी, गाइड बहुत बार देखी, झूल थीप बहुत बार देखी। ये पिक्चरों का इम्प्रेशन ऐसा पड़ा कि मैंने भी अशोक की तरह एक अपने घर में देवानंद साहब की फोटो लगा के रखी। जब हम अहमदाबाद में थे तो कभी कभी घर बदलना पड़ता था, बैचलर थे, तो फिर क्या किया हमने, वो फोटो जिसमें एक बार मकान ट्रांसफर हो रहा था, मैंने वो फोटो अपने मकान मालिक को दे दी, मैं क्या आप रखिएगा, मैं कहीं इधर उधर हो जाएगी, ट्रांसफर में ब्रेक हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से पिक्चर देखने का शौक था। और जो देवानंद का शौक था डेवलप हुआ, हमारा एक हम शाम को मिला करते थे कॉलेज में, तो कुछ लोग दिलीप कुमार के भगत थे, कुछ लोग राजेंद्र कुमार का भगत था, लेकिन ज्यादातर दिलीप कुमार और देवानंद के भगत थे।
तो हमारा ग्रुप देवानंद वाला था, लेकिन कभी हमारा आपस में झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों को देखते, उनका क्रेज देखते थे, यहाँ तक क्रेज था कि कुछ लोग तो कहते यार मेरे को तो दिलीप कुमार के घर में कुछ काम करने की नौकरी मिल जाए मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमको मिले तो सही, एक बार देखे तो सही। तो एक बार हम लोग जलंधर में थे, तो जलंधर में हम लोग सर्विस में थे दोनों, मैं और अशोक एक ही कंपनी में काम करते थे, रोज सुबह भी मिलते थे, शाम को भी मिलते थे। तो इन्होंने मेरे को बोला कि यार आज देवानंद साहब आ रहे हैं। मैं कहाँ आ रहे हैं, कहते जलंधर में आ रहे हैं। वो हम दोनों साइकिल उठाई, साइकिल उठा के जहाँ पे वो जा रहे थे, एक जिम खाना क्लब है जलंधर में, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो बाहर पुलिस थी, तो पुलिस वाला तो कैसे अलाउ करेगा, लेकिन हमारी दोनों की किस्मत ऐसी कि पुलिस वाले को अशोक मल्होत्रा जो है वो पहचानने, किसी को पहचानने थे, तो उनसे उसने बात के उसने अलाउ कर दिया। एंड मैडम यू विल सरप्राइज कि वो जो शो था वो बाद में हमको पता चला कि दैट वाज ओनली फॉर लेडीज। वहाँ जो अंदर क्लब के अंदर थी दे वर ऑल लेडीज फ्रॉम यू कैन से 40+ और 30+ जो भी थी, मैरिड थी मोस्टली, वो उस क्लब की मेंबर थी, एलाइट क्लब की थी सब की सब। तो वो देवानंद आए तो उन्होंने तो सबको घेर लिया, और जेंट्स में सिर्फ हम दोनों ही थे। हमको भी ऐसा ख्याल नहीं किया कि हम लोग अलग से हैं, लेकिन हमने अपना उनसे हाथ मिलाया, उनको देखा, तो वी वर सरप्राइज टू सी कि सच ए यंग पर्सन। हम लोग उसमें 20s में थे, ही वाज इन 40s, तो हमको ऐसा लगा कि यार ये हमसे भी यंग है, इतनी खूबसूरती इतनी लिजागत देख के हम हैरान रह गए। अच्छा हमारा तो मिलना ही था, उनका हाथ मिलाने का था, हमारी किस्मत के हमारे पास कोई फोटोग्राफी नहीं थी ना कोई वहां फोटोग्राफर था, लेकिन मैंने देखा लेडीज जो थी इतना क्रेज लेडीज का, आपको उसको बाजू से पकड़ रही है, कोई पीछे से पकड़ रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ करते करते कराते भीड़ में। वो पहले हम ऊपर में थे, वो उनको देवानंद साहब को क्लब के हॉल में ले गई, वहां पे वो सोफे पे बैठ गए। सोफे पे बैठ के जो उनका हाल हुआ हम लोग बहुत देर तक देखते रहे, क्योंकि हमें फिर देखने के लिए था, लेडीज के बीच में हमारा घुसने का मतलब नहीं बनता था। यू आर देयर फॉर हाफ एन आवर, वो मैंने देखा उनकी टाई, उनका कोट, शायद ब्लैक कोट ही था याद नहीं है, वो सब उन्होंने उतार लिया, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन नॉट ए सिंगल वर्ड हमने मुंह से उनसे हेलो या कोई ऐसा कोई शब्द भी सुना नहीं किसी के लिए भी। और हम लोग ये देख के सीन बांध देंगे, और पूरे का पूरा सीन आज हमको याद है, और वो ऐसा दिन था कि हमारे लिए हम देव के और बहुत बड़े फैन बन देंगे। चलिए आप, मेरे ख्याल हम सब, हम पांचों जनों में से सिर्फ आप ऐसे हैं जो कि देव साहब से मिले, तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि देव साहब को पर्सनली मिले। एक बार हम गए थे मैं और अशोक, फिर बॉम्बे में भी गए, लेकिन हमको किस्मत से क्या हुआ, वो सो रहे थे और हमको अलाउ नहीं किया, अशोक गिदार ने बोला नहीं वो सो रहे हैं, दोपहर का टाइम था, हमने सोचा भाई हम यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा नहीं चलेगी, फिर हम वापस चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद वो एक दो बार अहमदाबाद में आए, एक बार मेरे घर के बहुत नजदीक में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके घर में ठहरे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, पता चला तब तो वो वापस चले गए। तो रात को उनके ठहरे थे, ही वाज जस्ट ए हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस, मिला होता तो वहां भी हम मिल लेते, चांस नहीं मिला, लेकिन नहीं मिल पाए। लेकिन उनके चाहने वाले बहुत थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग तो उनको देखते कि हमको मौका मिले देवानंद साहब के साथ बैठने का या बात करने का। नहीं, उनको तो सभी चाहते थे, यंग लड़कियां चाहती थी, यंग लड़के चाहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे, उनको तो बाहर से जो है चार्ली चैपलिन, शर्ली मैकलेन, पर्ल एस्बाक, वो भी उनको चाहते थे, उनका उनके साथ बहुत अच्छा था। उनको तो देखिए अब नेता भी, नेता भी चाहते थे, जब आपको साथ लेके गए मैडम, ही वाज ए गॉड गिफ्ट टू, नॉट टू कंट्री, ही वाज गॉड गिफ्ट ऑन दिस अर्थ। उन्होंने हमको ही नहीं जीता, उन्होंने इंडियंस ओवर हियर इन द नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, और जब वो बाहर भी देखते हैं हम लोग यूरोप और यूएसए में, उनको लोग इतना चाहते थे, उनका इतना चाहते थे कि वो जब 50 साल के उनके कंप्लीट हुए फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो कहीं पूना में गए, तो पूना में 10,000 लोग तो लाइन लो के खड़े थे,
फिर वो क्लब में गए, जहां भी गए थे उधर हिंदुस्तान के बहुत शहरों में घूमने के बाद यूएसए में कम से कम 15-16 सिटीज में वो गए, जहां पे उनको जो स्वागत हुआ है वो पढ़ने में ऐसा लगता है कि बाकी उनका प्यार जो था कोई छोटा मोटा नहीं था, लोग उनको दिल से चाहते थे, कई लोग तो भगवान मानते थे उनको, ऐसा तक हो गया था। जब एक लेडीज ने देखा कि उनके घर में गए कनाडा में, तो की किताब में ही लिखा है, उन्होंने एक भगवान की मूर्ति दी, साथ में $1,000 दे दिए उनको। तो उन्होंने देख बोला कि घर पे जाके खोलना, यहाँ मत लेना। तो घर पे उन्होंने जब खोला तो उन्होंने मूर्ति तो रख ली भगवान की, बोला नहीं ये पैसे आपने भगवान को चढ़ाए लेकिन मैं आपको वापस कर रहा हूँ, भगवान को दिए लेकिन आपको आशीर्वाद है। तो यहाँ तक उसकी ग्रेटनेस थी। और कुछ एक बातें मुझे आज उनके पढ़ी तो मुझे एक बात पे बड़ा दुख हुआ है, उनका भी जो उनका भी जिंदगी का बड़ा दुख होगा, वो ये था कि उनको जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, उसके पहले उनको पद्म भूषण मिला। जब उनको पद्म भूषण मिला तो उनको अनाउंस रिपोर्टर ने सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसने फोन पे बताया कि आपको पद्म विभूषण मिल रहा है। He was very happy. लेकिन बाद में जब बोनस हुआ तो एक बार पद्म भूषण उसको बताया गया उसके ही दोस्त ने, जब्बर पटेल करके हैं, एक बहुत बड़े दोस्त पुणे में थे वो, उन्होंने उसको बताया कि देव साहब आप ही के कोई दोस्त थे जिन्होंने आपका अवार्ड को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर, उनको बहुत दुख हुआ। उनका नाम भी उनको बताया, उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कभी कुछ हो सके तो उनको दोबारा से कई पद्म विभूषण पोस्टमसली भी मिल जाता है, ऐसी कहीं हमारे क्लब से कोशिश हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे कुछ आईएएस ऑफिसर हैं इस क्लब में जुड़े हुए, शायद वो भी हेल्प कर सकते हो तो कैसे करने का, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा तरीका होता है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बीजेपी के है और वो वाजपेयी की बहुत क्लोज थे, तो एक चांस है अगले 3-4 साल के अंदर ये कोशिश हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आप उनसे पर्सनली मिले हुए हैं, जो कि हमारे में से किसी को सौभाग्य वो प्राप्त नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं श्री आरसी भट्ट। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि एक डेस्टिनी होती है, जो उनकी डेस्टिनी थी उसका था, उनका एक आशीर्वाद था उनके पेरेंट्स का, वो जिस तरह से फैमिली में रहे थे उसके साथ, उनके फादर अरेस्मा जी थे, अरेस्मा जी बहुत बड़े प्रिंसिपल्स के आदमी होते हैं, सच के सच्चाई पर चलने का मार्ग सिखाते हैं। शहीद भगत सिंह के पेरेंट्स आरएसएमएस ही थे, तो ये एक उनकी फाउंडेशन जो फैमिली फाउंडेशन थी इतनी बढ़िया थी जिसको लेके उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई के ऊपर ही काम किया, सच्चाई के साथ ही करे चले। आपका धन्यवाद, थोड़ा सा समय का अभाव है, अब हम श्री आरसी भट्ट से मिलते हैं। ये विजिलेंस ऑफिसर हैं, देखिए विजिलेंस ऑफिसर तो बड़े कड़क होते हैं, तो आप देवानंद जैसे सॉफ्ट, जो कि म्यूजिक म्यूजिक कॉमेडीज में और रोमांटिक फिल्म में काम करते, आपको उनसे कैसे आपको प्यार हुआ? मैं समझा नहीं थोड़ा क्वेश्चन आपका। हेलो जी, कहिए, आपको मेरी आवाज नहीं सुनी? मुझे कह रहे या नहीं? भट्ट साहब से कह रहे। ओके भट्ट साहब, ओके भट्ट साहब से, शायद उन्होंने म्यूट कर रखा हो, देखिए जरा। मिस्टर भट्ट, आपको आवाज सुनिए मेरी। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है ना मेरी? देखिए मैं से रहता हूँ और देवानंद साहब ने गाड़ी फिल्म उदयपुर में शूटिंग की, और मैं ऐसा कहूं कि उदयपुर के अंदर कम से कम 5-10 हजार से आदमी है जिन्होंने उस जमाने में गाइड की शूट देखी थी, और आज भी जब गाइड फिल्म आई है तो कहते हैं तो वो रहा मैं, चाहे वो वहीदा रहमान को खिलाने का सीन हो, चाहे वो वहीदा रहमान को लेके गुलाबबाग में के जाए उनको जेल से छूटने का सीन हो, गाना है तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है, और कांटों से खींच के ये पायल, और उदयपुर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे उन्होंने, और उदयपुर में उनके हजारों चाहने हैं,
देवानंद साहब ने उदयपुर को बहुत दिया और उदयपुर ने गाइड गौर देवानंद साहब को दिया। बड़े वो कि हसमुख से और बहुत प्रकृति से प्यार करने वाले थे। हमारे पैनलिस्ट ने उनपे काफी कुछ बोला है, मैं सिर्फ उनके जो फिलोसफी वो उनके गानों के थ्रू बहुत अच्छी झलकती है, जैसे कि चाहे कोई खुश हो चाहे हजार दे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजर, या कि जीवन के सफर में राही मिलते चढ़ जाने को दे जाते हैं यादें तन्हाई में तो, या और भी ऐसे हजारों बार जिनमें उन फिलोसफी ऑफ लाइफ है। मैं लक्ष्य कि हम देवानंद की जिंदगी से जीव सकते हैं, तो मैंने करीब 15-20 पॉइंट बनाए हैं, एक एक करके बोल रहा हूं हमारे दर्शकों के। और जो द एवरग्रीन सोसाइटी है जो कि 97th बर्थडे धूमधाम से आ रही है, इस साल जवाहर कला केंद्र में बहुत ही फैन फेयर और के साथ मनाई गई थी, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां, पहला देवानंद से हम ये बात सीख सकते हैं, मान में रहो जो आज है वो अपना है और बीते हुए कल को हमेशा के लिए जाओ, हर समय हर पल एक्टिव रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कम खाओ और अगर कोई गम भी है तो अपने गम के साथ, और हमेशा अपनी खुशी को दोस्तों के साथ शेयर करो। यू वॉज ऑलवेज ए गिवर। और जो फिलोसॉफी है साहिर साहब ने हम दो जो गाने में, जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, गया मैं उसको बुलाता चला गया, अकेले गुरु देवानंद साहब की फिलोसॉफी है, हर जी को प्रेम दो, हर छोटे से छोटे आदमी को इंपॉर्टेंस दी, चाहे वो कलाकार था चाहे बड़ा कलाकार था, लेकिन उन्हें उस इंपॉर्टेंस महसूस कराई, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे छोटा है, और उनको प्रकृति से पहाड़ों से जैसे बहुत प्यार था। उनकी रिकवरी सारी फिल्मों की उन्होंने किसी किसी हिल स्टेशन पे की, और जीवन ऐसे कलरफुल था, ही ऑलवेज यूज टू बी अ स्कार्फ और कैप और दैट व्हाट वी कैन से द जैकेट्स और कलर, उनके लाइफ हमेशा स्टाइल आइकन रही, हमें बहुत तेज सोचते थे, ही वाज वेरी फास्ट थिंकर एंड तेज चलते थे, तेज सोचते और तेज रहते, और हमेशा सुंदरता की प्रशंसा करते। फेमस ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग ऑफ लाइफ में उन्होंने जीवन के ऐसे किस्से लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन संगीत उनकी जिंदगी थी, उनके गानों में जो म्यूजिक है आज भी हजारों गाने दिलों पे राज हैं। म्यूजिक वाज इज लाइफ, देन वो हमेशा स्पीड वाज इज लाइफ, ही बिलीव्स इन ग्रेट स्पीड एंड ग्रेट एक्शन, और कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, जब कोई फिल्म का होता था उसके बाद बाहर निकल के अगले दिन से वो नई फिल्म बारे में लग जाते थे, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले थे, और ऐसा कि जिस जगह वो गए वहां पे उनके इतने आने वाले हो गए, इतने चाहने गए कि वो उनको ये ऑफर करते थे आप इस फिल्म की शूटिंग हमारे कीजिए। और मैं एक छोटे से जगह साथ अपने पूरी करूंगा, 19 फरवरी 1897 में चित्तौड़गढ़ से एक फिल्म की शूटिंग लिए आए थे, और हमारे अंकल है उनके बेटे की उस शादी थी, तो वो उनको इनवाइट करने गए कि साहब देवान साहब मेरे बेटे की शादी का रिसेप्शन है जरूर आइए। उन्होंने कहा मैं आऊंगा और आपको इस बात की खुशी होगी कि फरवरी 97 में वो उस शादी के रिसेप्शन में आए, न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने कुछ चखा भी, मिठाई भी टेस्ट करी, कुछ सलाद भी खाई, और जितने जने थे सैकड़ों आदमियों के साथ फोटोज खिंचवाए, और आज भी चित्तौड़ में जब उस बात याद करते हैं मेरे अंकल तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं। और तब उदयपुर का, उदयपुर को आप देखिए गाइड ऐसा, उनके लंबा डायलॉग बोलने का स्टाइल, उनका चलने का, उनका जो उनके बारे में बात वही कम है, और ऐसे आइडल को यह कभी शारीरिक तौर पर वाले हमारे साथ नहीं है लेकिन आत्मिक और रूही तौर पर हमेशा हमारे साथ है, और ऐसे कलाकार थे जिनको तीन जनरेशन जब हेमा मालिनी ने जॉनी मेरा नाम के उनके फिल्म की बात हुई तो उनकी माया चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारी फिल्म के स्टार्टिंग करने के
इससे और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी देवानंद की और अमन सिंह और लाइफ में उन्होंने जब अपना डेंटिस्ट उदाहरण दिखा रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने अपनी जो रियल किस्से थे उन्होंने फिल्मों में लिए। जैसे गंज गेट पे एक बार वो ट्रेन में उन्होंने महिला को कहा, क्या आपको आज से पहले किसी ने यह कहा कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं? तो रोमांटिक आदमी थे और हमेशा, और जो उनमें डक्कन क्वीन का पुणे जाने का किस्सा और एक से एक उनके भी किस्से जिनके ऊपर पूरी फिलोसॉफी है। और ऐसे कलाकार को जो कि हमारे दिलों पर राज करते हैं कि फिल्में जितनी बार देखो बार कम है, उनके गाने दिन भी सुनते रहो तो कम है। और जो फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, उसके अंदर तो उन्होंने पूरे बॉम्बे को अपनी फिल्म में ले लिया, पर टाइटल में उन्होंने लिखा एंड द सिटी ऑफ बॉम्बे, जो उसका गाना है, चाहे कोई को चाहे हजार नमस्ते राम बन के जिंदगी के दिन गुजारे। तो इस तरह से हमारे सरदार, हमारे स्टार एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लिरिसिस्ट, ऐसे हमारे साहब को, और उन्होंने कॉन्टेम्प्रेरी मनाई, पुजारी ले लीजिए चाहे हरे रामा हरे का ले लीजिए, वो हमेशा समय से 10 साल आगे का सोचते थे। सेंसर, प्राइम मिनिस्टर, चार्जशीट, एक से एक फिल्म है उन्होंने। और जैसा हमारे पास एक अभी एक सीडी है जिसके अंदर 65 हीरोइन के साथ उनको डांस करते हुए उनके कैसेट्स है, गाने हैं, और उनके गाने के बहुत कैसेट हैं, और उनका ऊपर यूट्यूब में और बहुत मटेरियल मिला हुआ है। लेकिन जितना बारे में उनके बारे में बात करें वही कम है। मैं ऐसे महान अपने इज अ स्टाइल आइकन इज, उनसे अपन जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यही उनकी जिंदगी का फलसफा था। हजारों लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले इस न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। आपका भी बहुत धन्यवाद, इतने आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अब हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं श्री संजय गौतम। तो संजय जी, आप तो काफी यंग हैं, तो आप बताइए कि आपने पहली फिल्म जो थी वो कभी कब थिएटर में देखी थी? क्योंकि सिनेमा हॉल वगैरह में तो आपने पिक्चरें उनकी काफी बाद की देखी होंगी। Can you hear me? Hello? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी आवाज आ रही वो म्यूट पे। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं तो आप लोगों में सबसे यंग हूँ अभी, तो जब तक देव साहब की मूवी रिलीज सिनेमा में आती तो मैंने सिनेमा हॉल में तो देखी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ। जब मैंने होश संभाला तो 7-8 ईयर्स में जो टीवी पे फिल्म आती थी दूरदर्शन में, वो वहां से मैंने देखना शुरू किया। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का फैन रहा, देव साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरे को याद है जब मैं 4th या 5th में पढ़ता था 96 के आसपास 95, तो दूरदर्शन पे मूवी चल रही थी जिसमें हीरोइन वो खुश होके नाच रही है गा रही है कांटों से खींच के यहाँ चल, मुझे मालूम नहीं है फिल्म का नाम, बट कुछ अच्छा सा लग रहा था, देव साहब को देख रहा हूँ अच्छा लग रहा। तो मेरा भाई बोलता था पढ़ाई कर कमरे में, बाहर जाके पढ़ाई करो, मतलब उधर मत आओ टीवी वाले कमरे में मत आओ। तो मैं उधर कमरे में जाके जो कुंडी से होल होता है वहां से पूरी फिल्म मैंने देख ली। वो कुछ फिल्म चल रही है, मुझे नाम मालूम नहीं था तभी उस फिल्म का, तो वहां से जाके मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ। फिर वो मेघ दे अल्लाह मेघ दे पानी दे वो गाना चला एंड में, फिर वो इमोशनल सीन्स वगैरह एंड में है, तो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब फिर मुझे हथला धुंधा सा याद रहा। फिर जब मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास मेरा एग्जाम होने वाला है फाइनल, तो उस दिन कोइंसिडेंटली टीवी पे फिल्म चल रही थी ये गाइड मूवी। उस दिन जब मैंने स्टार्टिंग से वो फिल्म देखी, जब वो मूवी स्टार्ट हो रही थी, देख राजू तेरी जिंदगी एक रास्ता इधर जा रहा है एक इधर, तो उनका जो था वो तेरा मजाक ना उड़ाए करके, तो पता नहीं मुझे इतना अंदर से इतना मुझे झकझोर के रखा वो डायलॉग उनका, अंदर से इतना खुश हो रहा था मैं वो देख के। फिर वो आते हैं फ्लैशबैक में मूवी जाती है, वो लोग आ रहे हैं, कोई
हिंदी बोलने वाला, कोई बंगाली बोलने वाला, उनको सारा शहर कराते हैं देव साहब गाइड बन के, तो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, फिर वो पंडित आते हैं दो लोग उस फिल्म में जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बोलेंगे कि इंग्लिश आती हो तब ना करके एक डायलॉग बोलते हैं देव साहब। तो मुझे मतलब इतना मैं उनका बड़ा फैन हो गया उस टाइम से देख के, वो फिल्में मुझे इतनी घर कर गई। अगर अभी मेरे को कोई पूछता है कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो माइलस्टोन मूवी गाइड ही मेरे लिए है, सबसे पहला नाम गाइड ही है मेरे को, जो देख के मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है। देवानंद साहब की एक्टिंग हो, वहीदा रहमान की एक्टिंग हो उस फिल्म में, सबका कंट्रीब्यूशन मुझे इतना पसंद है वो फिल्म में। और ये सैलेन साहब के लिखे हुए गीत हैं, ये एस जी बर्मन साहब का म्यूजिक बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगा। इवन अभी ये क्या कहते हैं, मुझे मालूम पड़ा कि वो गाना जो एक उस गाने में हाइट दिखाने की कोशिश की है खुशी की, जो वो कल तक तो तुम कल देव साहब बोलते हैं, कल तक तो तुम लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की खुशी हर वो बीच रास्ते में कहीं छोड़ आई है, आज लगती है उसे 16 साल की लड़की। तो मुझे इतना पसंद आया, तो उस गाने में उन्होंने दिखाया है कभी ऊंट में बैठ के, कभी ट्रक में बैठ के, कभी वो किले के ऊपर जाके वो गाती है नाचती है, तो एक गाने को एक हाइट मतलब हैप्पीनेस हाइट दिखाने का उन्होंने वो कोशिश किया करके उस फिल्म में, विजय आनंद साहब ने डायरेक्ट की वो फिल्म, तो वो मुझे बहुत इतना उन्होंने वो किया अंदर से उस फिल्म ने। तो ऐसे उनकी बाकी फिल्में हैं, चाहे ये हम दोनों फिल्म हो 1961 में रिलीज। हाँ, आपने पूछा मेरे को सिनेमा हॉल में, ये मूवी कलर में रिलीज हुई 2011 में, तो मुझे ये देखने का मौका मिला। एक्चुअली मैं दिल्ली में था तभी, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तभी, तो ये मूवी लगी वहां पे 2011 में, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ रिलीज, 61 में शायद रिलीज हुई थी, 50 ईयर्स के बाद 2011 में कलर में रिलीज हुई, तो सत्यम सिनेमा नेहरू प्लेस में ये फिल्म मैंने देखी। तो उस दिन सबसे यंग वहां पे मैं ही था, ओनली 24 ईयर ओल्ड मैं ही, मुझे लग रहा था बाकी सब 60 प्लस ही दिख रहे थे मुझे वहां पे जब वो फिल्म देखने गया मैं। तो वो भी जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो देव साहब के एक्सप्रेशन, साधना खड़ी है, देव साहब खड़े हैं, दोनों कुछ बोल नहीं रहे, बस एक दूसरे को देखते हैं, नोट कोई डायलॉग नहीं है, थोड़ी देर बातें मतलब खाली एक दूसरे को देखेंगे, फिर वो जाने वाली होगी तो अभी ना जाओ छोड़ के वो गाना शुरू होता है। तो वो फिल्म भी मतलब ऐसा देव साहब ने ऐसा जादू चलाया है कि मैं कभी भूल नहीं सकता उसको एकदम, मतलब इतना उनका फैन हो गया। तो इस फिल्म का स्क्रिप्ट भी मेरे को ये पता कि वो भी एक जो डबल रोल उन्होंने किया था इस फिल्म में, वो डबल रोल भी मतलब एक रियल लाइफ मतलब दो आर्मी ऑफिसर से वो मिले, उनके थ्रू ये कहानी का आइडिया आया था करके ये मुझे मालूम पड़ा था। तो इसमें जो जयदेव का म्यूजिक है बहुत मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे गाने इस फिल्म के लिए आशा जी के गाए हुए, और नंदा की एक्टिंग है उसमें, ये साधना जी हैं, तो बहुत अच्छा मुझे उनका वो लगा। हरे रामा हरे कृष्णा जैसे वो वहाँ पे ये 1971 में रिलीज हुई, तो नेपाल में जाके मैंने सुना उन्होंने एक बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने शायद उनको वहां पे बुलाया था, तो इसके लिए वो वहां पे गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि हिप्पी लोग कुछ हैं और एक लड़की उनमें ऐसे ही मतलब खोई हुई नाच रही है गा रही है, तो जिसका आइडिया उन्हें आ गया, और उनकी वजह से यहाँ पे मतलब काफी स्टार जो अभी हैं, जीनत अमान है, टीना मुनीम है, जैकी श्रॉफ है, इन सबको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे लेके आए देव साहब, मतलब जो उनका मतलब लोगों के लिए हेल्प करने का उनका जज्बा था लोगों के लिए, वो सब बहुत मतलब अच्छा लगता है कि उन्होंने सबको ऐसे हेल्प किया है। और उनकी फिल्में ले लो, ज्वेल थीप में ले लो, या फिर ये काला बाजार है, काला पानी है, सब में उनकी एक बेहतरीन एक्टिंग है। उतना वो पुरानी फिल्म मैंने तो टीवी पे ही देखी है, सिनेमा हॉल में तो मैं देख नहीं पाया हूँ ये सारी फिल्में, बट मुझे एक एक फिल्म बहुत पसंद है। काला पानी एक्चुअली कोइंसिडेंटली अभी 3 साल पहले 2017 टू लास्ट मंथ में भी अंडमान निकोबार में पोस्टिंग था मेरा भी, तो काला पानी मेरे लिए भी एक तरीके से वही था। तो अभी लास्ट 15 अगस्त को ही मैं आया हूँ, आधी एक महीना हुआ मुझे मुंबई पहुंचे हुए अगेन। तो उनकी काला पानी ले लो, हाउस नंबर 44, फन टूज, पॉकेट मार, 9-2-11, विजय आनंद साहब ने जो डायरेक्ट किया उनके भाइयों के साथ, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, कोलेबोरेशन था मूवीज का, चेतन आनंद साहब ने जो डायरेक्ट किए हैं, देवानंद साहब ने खुद डायरेक्ट किए हैं 35 मूवीज, 9 केतन बैनर्स किए हैं, विजय आनंद साहब ने जो डायरेक्ट किए हैं, एक से एक मूवी बहुत अच्छी है। मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पहले से ही, और उनकी सारी फिल्में जो देखी, उनके गाने शैलेंद्र के लिखे हुए ज्यादातर रहते हैं मूवीज में,
या फिर बाद में आर डी बर्मन का म्यूजिक है इसमें, हरे राम हरे कृष्णा, बाद में और फिल्में शरीफ बदमाश है, जोशीला वगैरह मूवीज जो उनकी दी हुई है, और फिल्में मुझे बहुत ही मतलब उन्होंने प्रभावित किया है। वैसे तो आप लोग तो मुझे मुझसे सब लोग सीनियर हैं, सब लोग ज्यादा ही जानते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत ही उनके बारे में जानता हूँ, जितना मैंने फिल्में देख के मतलब बाद में देख के उनके बारे में सुना देखा। एक्चुअली ये उनके बारे में सुना कि वो इतना, वो तो सभी को मालूम है 88 ईयर ओल्ड में वो अभी चार्जशीट बना रहे थे लास्ट टाइम, जबकि इतने टाइम तक तो कोई सोचता भी नहीं कि फिल्में मैं बनाऊं, उतना उनको एनर्जी था, उतना सोच है, दिमाग, उतना माइंड है कि हाँ मुझे ये काम करना है। और मैंने सुना कि 18 आवर्स वो काम करते थे, उतना उनको मतलब मेहनत करने का उनका अंदर वो था, जज्बा था कि मैं ये काम करूं। एक बार एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वहीदा रहमान की बोली थी कि हम तो उन्हें एवरीडे बैटरी बोलते थे, कि आप तो हमेशा चार्ज ही रहते हैं, कभी आप थकते नहीं है क्या, कि हमेशा हर शॉट के लिए रेडी है वो, हर मूवी में जो भी नेक्स्ट एक मूवी कंप्लीट हुई दूसरी मूवी करने को रेडी है वो। और दूसरे ये पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया था इश्क इश्क मूवी के शूटिंग के दौरान, तब वो छोटी बच्ची थी, उनको कुछ तबियत खराब हो गई थी, तो देवानंद साहब जाके खुद उसके लिए दवा लेके आए, मुझे खिलाया, बच्ची मेरा ध्यान रखा, मतलब इतना वो लोग को ध्यान रखते थे। ये सारी चीजें मतलब एक जिंदगी जीने वाले, जिंदगी का जीना लोग को सिखाने वाले देव साहब, उनका जिंदगी के प्रति जो प्यार रहा है वो एकदम एक अतुलनीय है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन हिंदी सिनेमा में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी और अमृत जी का अपना कीमती समय देने के लिए। अमृत जी आप सुन पा रहे हैं? मैं दो बात करना चाहता हूँ। मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि देव साहब है ना, देव साहब अपने महाभारत के कर्ण थे, उनके दरवाजे पे जो कोई गया वो कभी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा, सभी को कोई ना कोई मौका मिलता था, सभी के साथ आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे, कभी भी महिला कलाकारों के साथ शोषण नहीं किया, न्यू कमर को भी समझा के बातें करते थे, कभी चिल्लाना नहीं, कई रिटेक होते थे तो साथी लोगों को भी समझाते थे कि बिना चिल्लाए वो बच्चे सीख जाएंगे, उन्हें मौका देना चाहिए सीखने का। उनको अपनी जिंदगी पर बहुत नाज था, वो फिर से देवानंद बनकर ही जन्म लेना चाहते थे, और उन्होंने कम से कम 55 लोगों को मौका दिया, उसमें से अपनी प्रतिभा और टैलेंट को निखारने का मौका दिया, उसमें गोल्डी गुरुदत्त और राज खोसला जैसे निर्देशक, जयदेव जैसे संगीतकार, जाकी और शत्रुघ्न जैसे 7 एक्टर्स, और जीनत और टेना जैसी 14 हीरोइंस, साहिल, नीरज, शैलेंद्र, अमित खन्ना जैसे गीतकार और कई गायक, कैमरामैन, कला निर्देशक, ये सारे कलाकार, इसी 1950 से लेकर नवकेतन की टीम पूरी एक साथ चलती थी, चेतन साहब, देवानंद, विजयानंद, एसडी बर्मन, आरडी किशोरदा, लता, आशा, एडिटर धर्मवीर, बाबू शेख, कैमरामैन वीर रत्ना, गीतकार साहिर, नीरज, शैलेंद्र, ये उनका जो नवकेतन से जुड़े ही रहने का ये जो टीम वर्क था वो बहुत अद्भुत था, सराहनीय था और बहुत लंबे अरसे तक चला। तो इसमें उनका जो खुद का नेचर है एक लीडरशिप का और प्रेम का वातावरण रख के सबको साथ में लेके चलना, वो उभर के आता है। तो देव साहब के देव साहब जो थे उनके जो भी रिश्ते थे वो लाइफ लॉन्ग रिश्ते थे, लाइफ लॉन्ग रिश्ते, उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी में मदद की। एक बार ऐसे सुनने में आया कि महबूब साहब थे वो बहुत मुश्किल में थे, तो देव साहब ने उनका सारा कर्जा चुका दिया था बिना उनसे कहे, और वो उनके इतने कायल हुए कि उन्होंने अपनी विल में लिखा कि ये ट्रस्टी है मेरे महबूब स्टूडियो के, और उनको उन्होंने एक खास कमरा दिया हुआ था जहाँ आज तक उनके जो जैकेट्स हैं, जो उनके हैट्स हैं, जो उनके स्कार्फ्स हैं, वो आज तक वहां रखे जाते हैं। सही है। तो देव साहब तो हर जगह भगवान के। अमृत जी मैं भी 2 मिनट लूंगा यदि आप इजाजत दे तो। हेलो, हाँ प्लीज। हेलो, देखिए कुछ समय का अभाव है तो 2 मिनट इस तरीके से इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इस डिस्कशन को यही खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपना समय देने। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।